हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री ऑफ डाइस इन एंशिएंट इंडिया एंड केमिस्ट्री ऑफ पिगमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्राचीन भारत में डाइस मतलब रंग और पिगमेंट्स यानी रंग द्रव्य का किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से यूज होता था, कौन कौन से जो नेचुरल सोर्स थे जिससे हमको डाइस एंड पिगमेंट्स प्राप्त होते थे, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डाइस इन एंशिएंट इंडिया। सो एंशिएंट इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स एडवांस डाइंग टेक्निक एंड द यूज ऑफ नेचुरल डाइस डिराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक इंट्रो है कि एंशिएंट इंडिया जो है बेसिकली इसके एडवांस डाइंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता था। ठीक है, एंड द यूज ऑफ नेचुरल डाइस, नेचुरल मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं जो रंग, उसको कैसे ये प्लांट एनिमल और मिनरल से कैसे प्राप्त करते थे, ये जो रंग है नेचुरल जो कलर है वो कैसे प्राप्त करते थे, उसको कैसे यूज करते थे, इनका ये जो नॉलेज था ये बहुत एडवांस था हमारे प्राचीन भारत के लोगों को। सो एंशिएंट इंडियन वाज नोन फॉर इट्स एडवांस डाइंग टेक्निक। डाइंग टेक्निक मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं किसी भी प्लांट से या एनिमल से या मिनरल से रंग को प्राप्त करना, फिर उस रंग को किसी भी कपड़े को या फिर किसी टेक्सटाइल, मेनली जो है टेक्सटाइल्स में यूज होता था, कपड़े को रंगने में, लेदर पेपर इन सभी को रंगने में कैसे यूज किया जाता था, कैसे यूज करते थे, इन सभी ये प्रोसेस के लिए जो है हमारा एंशिएंट इंडिया जाना जाता है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसे जो है एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब कैसे रंगों को जो है ये प्राप्त करते थे। बहुत टाइप के रंग होते हैं, जैसे कि पहला था प्लांट बेस्ड डाइस। ठीक है, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड और मिनरल बेस्ड, तीन टाइप के मेन डाइस होते थे जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते थे प्राचीन भारतीय लोगों को ये रंग। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड रंग कौन कौन से थे, पहला था इंडिगो, इंडिगो ये जो है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। ठीक है, टिंक्टोरिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्लांट बेस्ड डाइस रंग जो प्राचीन भारत में यूज करते थे, पहला है इंडिगो। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल डाइस प्रोड्यूसिंग अ डीप ब्लू कलर। ठीक है, तो इंडिगो से क्या प्राप्त होता था, डीप ब्लू कलर। ठीक है, गहरा नीला रंग। द डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिगो लीव्स थ्रू फर्मेंटेशन। और ये जो रंग था ये कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, बेसिकली ये इंडिगो का जो पौधा था उसके पत्तियों को जो है ये फर्मेंटेड मतलब किण्वन वाला प्रक्रिया होता था और उसके बाद फिर ये इसको एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, रंग प्राप्त होता था, कौन सा रंग, इंडिगो से डीप ब्लू कलर। ठीक है, सेकेंड है मैडर रूबिया टिंक्टोरम। सो अ रेड डाई ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मैडर प्लांट। ठीक है, मैडर नाम का एक प्लांट था, उसके रूट से जो है एक रेड कलर प्राप्त होता था। ठीक है, रेड कलर जो है प्राचीन भारत के लोग प्राप्त करते थे। एंड द डाइज कंटेन एलिजेरिन अ रेड एंथ्राक्विनोन पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये जो कलर था ये बेसिकली इसमें एलिजेरिन होता था, एक लाल एंथ्राक्विनोन पिगमेंट होता था। ठीक है, जो हमको जो प्राप्त होता था, ठीक है, ये मेनली प्राप्त होता था मैडर प्लांट के रूट्स थे। उसके बाद थर्ड है हमारा टर्मेरिक। ठीक है, टर्मेरिक का वैज्ञानिक नाम जो हल्दी है उसका आपको पता है, करक्यूमा लॉन्गा। सो टर्मेरिक, टर्मेरिक जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, किसके लिए, येलो कलर के लिए, और येलो डाइज फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ द टर्मेरिक प्लांट। ठीक है, टर्मेरिक प्लांट के जो राइजोम्स थे उससे जो है ये एक्सट्रैक्ट करते थे इस कलर को। एंड इट कंटेन करक्यूमिन अ येलो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स आपको याद रखना है किसके कारण उसका कलर येलो था, इसके कारण उसका कलर रेड था, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो प्लांट बेस्ड डाइस में यही तीन जो है मेन कलर थे जो आपको ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम और इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया प्लांट बेस्ड डाइस जो एंशिएंट इंडिया में यूज होता था। एंड एनिमल बेस्ड डाइस की अगर हम बात करें तो पहला है कोचिनियल। कोचिनियल इज डैक्टिलोपियस कॉकस। ठीक है, ये प्लांट एनिमल बेस एक डाइस था, कलर था, जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट मतलब जो कीड़े थे, एक टाइप का कीड़ा था, उससे जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता था ये कलर। एंड प्रोड्यूसिंग रेड आर क्रिम्सन डाइस। ठीक है, मतलब लाल रंग जो है मेनली यहाँ से प्राप्त होता था, प्राइमरी ड्यू टू द कार्मिनिक एसिड। ठीक है, इसमें कौन से कंपाउंड के कारण इसका कलर लाल होता था, कौन सा एसिड पाया जाता था इस इंसेक्ट में,
कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा मिनरल्स बेस्ड डाइस की अगर हम बात करें तो सबसे जो हमारा कॉमन एग्जाम्पल है वो है ओकर्स, मतलब कि जो गेरू होता है, ठीक है। तो नेचुरल अर्थ पिगमेंट्स कंपोज्ड ऑफ आयरन ऑक्साइड यूज्ड फॉर येलो एंड रेड ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मतलब रंग ही होता है। सो एक नेचुरल अर्थ पिगमेंट कंपोज्ड ऑफ आयरन ऑक्साइड यूज्ड फॉर येलो एंड रेड कलर जो है इसे प्राप्त होता था, ठीक है। ये मेनली ओकर्स जो है एक पिगमेंट्स है, बट यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिनरल बेस्ड डाइस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंशिएंट इंडिया में डाइस। अब टाइप्स की अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप्स के डाइस होते थे, कौन कौन से टाइप के कलर होते थे, तो पहला है वेट डाइस, जैसे कि एग्जाम्पल में इंडिगो। सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट रिड्यूस्ड टू अ सॉल्युबल फॉर्म इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड देन ऑक्सीडाइज बैक टू द कलर इन सॉल्युबल फॉर्म। अब ये क्या होता था, इंडिगो जो है एक वेट डाई है, ठीक है, इनसॉल्युबल, वाटर में जो है घुलता नहीं है, लेकिन इसको सॉल्युबल बनाया जा सकता है जब अल्कलाइन के साथ इसको घोलते हैं। अल्कलाइन के साथ घोलने के बाद ये सॉल्युबल हो जाएगा, फिर इसको कपड़े में लगाएंगे, कपड़े में लगाने के बाद ऐसे सुखाने के लिए छोड़ देंगे, फिर वो वायु के संपर्क में आके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा तो फिर इसका कलर जो है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको कपड़ा को अगर नॉर्मल पानी से धोएंगे तो नहीं जाएगा कलर, ठीक है। सिर्फ अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ही जो है ये घुल सकता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इस प्रकार से इंडिगो जो है यूज किया जाता था, ठीक है। इंडिगो किससे प्राप्त होता था, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जो बेसिकली किससे प्राप्त होता था, इंडिगो लीव्स से, ठीक है। इंडिगो नाम का एक प्लांट था, उसके पत्तियों से जो है ये हमको प्राप्त होता था, ठीक है। डायरेक्ट डाइस सेकंड टाइप है, जैसे कि टर्मेरिक जो है, दिस डाइस डायरेक्टली बॉन्ड विद द फैब्रिक विदाउट नीडिंग मॉडरेंट, ठीक है। तो ये जो हल्दी से जो हमको रंग प्राप्त होता था वो डायरेक्ट डाइस के अंतर्गत आता है, मतलब इसको ये कपड़ा है और ये डाइस है, कलर है, दोनों जो है इनडायरेक्ट, मतलब बेसिकली बहुत बॉन्ड उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, किसी प्रकार के मॉडरेंट की जरूरत नहीं होती है। मॉडरेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कपड़े और जो कलर है उसके बीच में एक बॉन्ड बना के रखता है, जिसके कारण कलर जल्दी नहीं निकलता है। बट टर्मरिक जो डायरेक्ट डाइस था, टर्मरिक जो यूज होता था प्राचीन भारत में, वो उसमें किसी भी प्रकार के मॉडरेंट की जरूरत नहीं होती थी, ये डायरेक्टली बॉन्ड हो जाता था फैब्रिक के साथ, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो डाइस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन टेक्सटाइल्स लाइक चिंट्स, बंदनी एंड कलमकारी विच वेयर फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल्स में ये जो टाइप थे, ठीक है, जो कलर करने का ये जो टाइप है, कलमकारी, ये सब ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, ठीक है। इंडियन डाइंग टेक्निक वेयर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेड्स ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में ट्रेड्स, इनका जो डाइस कलरफुल जो टेक्सटाइल्स थे, जो कपड़े थे, वो बहुत ज्यादा ट्रेड में काम आते थे, मतलब आयात निर्यात के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये हो गया हमारा डाइस एंशिएंट इंडिया में। अब पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिगमेंट्स और डाइस में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो डाइस होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और कुछ को छोड़कर, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारा डाइस था, ठीक है, जो डाइस है वो बेसिकली मोस्टली यूज फॉर डाइंग, ठीक है, कलर करने के लिए यूज होता था, किसको, टेक्सटाइल्स, मतलब कपड़ों को कलर करते थे, या फिर लेदर या फिर पेपर, ये सबको कलर करने के लिए यूज होता था। एंड जो हमारा पिगमेंट्स था वो यूज्ड इन पेंट, ठीक है, मेनली ये जो पिगमेंट है हमारा ये बेसिकली पेंट में यूज होता था। पेंट मतलब कि ऐसा कोई मेनली यूज्ड जहाँ बेसिकली कलर जो है वो सरफेस में लगेगा, ठीक है। ये जैसे हमारा कोई प्लास्टिक का कोई चीज है तो उसके ऊपर में हम लोग पेंट करेंगे, या कोई दीवार है, दीवार के ऊपर हम लोग पेंट करेंगे, तो पेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिगमेंट्स का यूज करते हैं, और किसी चीज को रंगने के लिए, कलर करने के लिए हम यूज करते हैं डाई का, ठीक है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। तो एंशिएंट इंडिया में पिगमेंट्स का सोर्स क्या क्या था, उसको हमको समझना है, पढ़ना है। सो पिगमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया, पिगमेंट्स यूज्ड फॉर पेंटिंग वेयर जनरली डिराइव फ्रॉम मिनरल्स एंड सर्टेन प्लांट सोर्स, ठीक है, मेनली ये मिनरल्स से हमको प्राप्त होता है, कुछ कुछ प्लांट से भी प्राप्त होते हैं पिगमेंट्स। एंड दिस पिगमेंट्स वेयर मिक्स्ड विद बाइंडर्स एंड यूज्ड इन फोरेस्कस मनुस्क्रिप्ट्स एंड रिलीजियस आर्ट, ठीक है। फोरेस्कस मतलब क्या होता है, एक फोरेस्कस मतलब आपका होता है भित्ति चित्र, ठीक है, जो दीवार में जो चित्र वगैरह बनाते थे उसके लिए मेनली यूज होता था।
एंड मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स में यूज होगा, एंड द रिलीजियस आर्ट, ठीक है, जो धार्मिक जो आर्ट होता था उसमें यूज होता था। तो ये बेसिक इसका इंट्रो हो गया। अब कुछ नोटेबल पिगमेंट्स इंक्लूड, जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं, जैसे कि रेड ओकर मतलब गेरू, ठीक है। सो ड्राइव फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग आयरन ऑक्साइड, गेरू क्या है, बेसिकली आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, जो नेचुरली हमको प्राप्त होता है। रेड ओकर वॉज अ वाइडली यूज पिगमेंट इन म्यूरल्स एंड बॉडी आर्ट। म्यूरल्स मतलब भी वही होता है, भित्ति मतलब भित्ति चित्र, मतलब दीवार में चित्र बनाने के लिए यूज होता था, और बॉडी आर्ट के लिए, ठीक है। सिनेबार, इसे हिंगुला भी कहा जाता है, और ब्राइट रेड मिनरल्स फॉर्म ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। जैसे हमको जो गेरू है वो आयरन ऑक्साइड से प्राप्त होता है, तो ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो मिनरल्स है उससे हमको सिनेबार प्राप्त होता है। सिनेबार वॉज यूज इन इंडियन आर्ट टू क्रिएट बोल्ड रेड ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मतलब रंग ही होता है, बोल्ड मतलब गहरा लाल रंग का आर्ट बनाने के लिए यूज होता था। एंड मेलेकाइट, मेलेकाइट हरितला, दिस ग्रीन पिगमेंट्स वॉज ड्राइव फ्रॉम कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो है हरा रंग का पिगमेंट था, जो मेनली बनाया जाता था कॉपर कार्बोनेट मिनरल्स थे, मिनरल से, एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली इन पेंटिंग्स, पर्टिकुलरली इन मिनिएचर आर्ट, ठीक है, जो छोटे छोटे आर्ट रहते थे, जो पेंटिंग रहता था उसमें यूज होता था। लैम्प ब्लैक मतलब कि जो काजल, ठीक है, काजल तो आपको पता ही है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सूट ऑफ बर्निंग ऑयल लैम्प, ठीक है, बर्निंग ऑयल जैसे ये दिया रहता था, मेनली बर्निंग ऑयल एम मतलब दिया से जो है इसको प्राप्त किया जाता था काजल को। एंड लैम्प ब्लैक वॉज यूज इन लैम्प ब्लैक वॉज यूज इन ब्लैक पिगमेंट्स इन मनुस्क्रिप्ट एंड रिलीजियस आर्ट, ठीक है। तो रिलीजियस आर्ट्स में मेनली यूज होता था एंड मनुस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एंशेंट इंडिया में यूज होते थे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री ऑफ डाइस एंड पिगमेंट्स इन एंशेंट इंडिया, जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है, जो नया सिलेबस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि ये नोट्स आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप देखेंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपको बस ये नाम याद रखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। तो ये नोट्स है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल यूनिट्स का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।